दोस्तों आज बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एक बहुत ही बड़े अपडेट के। दोस्तों आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी दोस्तों अभी कुछ साल पहले मतलब एक साल पहले कराई गई थी और किसानों को इसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन सरकार अब दोस्तों ये ई केवाईसी का प्रोसेस पूरे हर साल करने का मन बना रही है। मतलब कि अब किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक वर्ष ई केवाईसी करानी होगी। इस ई केवाईसी को दोस्तों जो सरकार ने अभी तक शुरू किया था वो ऑनलाइन और जनसेवा केंद्र से भी किया था। मतलब कि अभी अगर आप ई केवाईसी करवाते हैं तो किसी भी जनसेवा केंद्र जाकर के अपना ई केवाईसी पीएम किसान का करा सकते हैं या खुद से ही पीएम किसान के एप्लीकेशन से फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई केवाईसी कर पा रहे थे। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था, सरकार ने इसको मैंडेटरी नहीं किया था कि आपको हर साल कराना होगा। लेकिन दोस्तों अभी कल एक सीएससी एसपी भी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अधिकारियों की बातचीत चल रही थी, उसमें उन अधिकारियों ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी रोकने के लिए हर साल किसानों की ई केवाईसी करना सुनिश्चित किया जा सकता है। अभी सरकार ने कंफर्म नहीं किया है कि वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हर साल केवाईसी कराएंगे, लेकिन ऐसा सरकार का मानना है कि जल्द ही वो ऐसा एक सिस्टम लाएंगे जिसके तहत प्रत्येक वर्ष किसानों की ई केवाईसी होगी। हालांकि इसमें किसानों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान दोस्तों आपको पता है कि किसान बहुत से ऐसे किसान हैं जो जागरूक नहीं है, उन्हें पता नहीं चल पाता है क्या चल रहा है, सरकार ने कौन सी गाइडलाइन जारी की हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या था, किसान अपनी ई केवाईसी नहीं करा पाता है और जब ई केवाईसी नहीं करा पाएगा तो उसकी जो किस्तें हैं ना वो रुक जाती हैं और इसके बाद दोस्तों वो बहुत ही इधर उधर परेशान होता है, भटकता घूमता है। फिर इसके बाद जब उसे पता चलता है तब वो नज़दीकी जनसेवा केंद्र जा करके ऐसे जागरूक व्यक्ति से जा करके मिल करके अपनी ई केवाईसी कराता है। हालांकि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में एक बहुत ही बेहतरीन एक सहूलियत दे रखी है किसानों को। अगर आपकी कोई भी किस्त रुक जाती है ना किसी भी कारणवश, अगर वो आने वाले समय आप उसे सही करा लेते हैं ना, तो पिछली वाली किस्तें भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की भेज दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सपोजर 17वीं किस्त रुक गई है और आपका किसी प्रॉब्लम की कारण और 18वीं किस्त जब आएगी तो आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने इसका विशेष ध्यान रखा है कि अगर किसी भी कारण किसानों की केवाईसी या लैंड सीडिंग कुछ भी नहीं हो पाता है किसी किस्त में, तो उसे जब वो सही करा लेता है तब उसकी सारी किस्तें सरकार उसे भेज देती है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था, मैंने सोचा आप लोगों को दे दें। तो जैसे दोस्तों सरकार की तरफ से ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी का अपडेट आएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि आप हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही अपडेटेड और नई नई जानकारी लगातार मिलती रहती है। अगर आपको कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं पीएम किसान से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।